जो आप देख रहे हैं हमारा ऑफिस का बिल्डिंग है, ये लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर आता है। ये हम जनपद स्तरीय वर्कशॉप कार्यशाला दो जनपदों में कर रहे हैं, एक तो रायबरेली में, दूसरा इटावा। दोनों जनपद में हमारा ये हमारा केंद्र जो है 1981 में 1981 में बना स्थापित हुआ था। तब से हमारा जो है इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है वो उपग्रह क्षेत्रों को उपग्रह से उनका क्षेत्र का पूरा मैपिंग कराने का कार्य। हमारा केंद्र में लगभग 300 लोग कार्यरत है और प्रोजेक्ट मोड पे भी टीम आज कार्य कर रही है, उसमें भी करें 200 लोग काम कर रहे हैं। ये मैप जो है आपको रिपोर्ट कर रहा है, एक प्रोजेक्ट पहले चला था इससे पहले सीपी के नाम से, उस प्रोजेक्ट से जैसे कि आप देख रहे हैं कनाल का एग्रीकल्चर एरिया, कृषि एरिया और मैंगो प्लांटेशन बगीचे सबका मैपिंग हो जाता है, सैटेलाइट से ही हो जाता है सारे काम। यह सर आपको चित्र दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट का इमेज है, सैटेलाइट से जब इसे ऊपर से दिया जाता है पर डे जो है सैटेलाइट घूमता रहता है इंडिया का ऊपर, कभी ऊपर से नीचे की तरह डायरेक्शन होता है सैटेलाइट। तो मान लीजिए आगरा में एक हफ्ते पहले चला तो आज यहाँ पे इटावा में हो सकता है, फिर लखनऊ में धीरे धीरे गोंडा इंडिया तक इंडिया सरपद मिर्जापुर ये करने जो है उत्तर उससे ये चित्र हम लोग बना करके बड़ा मजा ही किया। ये सिंगल इमेज जो है इतना लगता होता है इतना साइज ये एक करीब 500-600 चित्र के टाइप्स होते हैं, सबको हम लोगों ने जोड़ा पंचा के इस तरह के नाम इसको बोलते हैं लिस्ट कोड। वो पहले जो देखेंगे वो दूसरा सेगमेंट था, इसका नाम लिस्ट कोड, इसका नाम कार्टोसैट 1। इस समय 2-3 सेगमेंट हमारे इमरजेंसी सेगमेंट के नाम से जाने जाते हैं, वो 3 सेगमेंट है। ये इससे भी अधिक चपटा है, जो पहले देखे थे उसके 6 मीटर तक आप देख सकते हैं, ये 2.5 मीटर तक का देख सकते हैं। ये 2.5 मीटर तक का जो हमारा ये इमेज है ये दिखाई पड़ेगा सेगमेंट से अगर बाहर है। हाँ, इन चित्रों से प्रदेश के हम सभी जनपद द्वारा इतने सारे व्यास हम थोड़ा सारे भाग मिलेगा इसे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया गया था। ये लैंड इज लैंड के बाद भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, आप अगर हमसे कहेंगे सर आप आपको मावावन ब्लॉक में ये जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यहाँ कितनी सड़कें हैं विलेज लेवल तक नेशनल हाईवे से लेकर विलेज ग्राम सड़क आप बनाए पूरा मैपिंग किया हुआ रही सारे नए सड़क जो लाइन्स हैं उनको भी और नहरें और जितनी भी नदियाँ हमें हैं सब इस पर आ जाएंगे, सारे मैप बनाया हुआ है आपको। अभी आप मैप पे हमारा जो मोबाइल ऐप से ये मैप देख सकते हैं, आपके अमावन ब्लॉक है हमारा क्या क्या वहाँ पे का बगीचे कहाँ है, कृषि क्षेत्र कहाँ पे है, सब आपको मालूम है। ये स्केल जो है इसका 1:1 इतना बढ़िया स्केल अभी तक कोई काम नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट है बहुत डिटेल। उसके अलावा ये स्टेट बाउंड्री आपने मेन बाउंड्री की जब करते हैं ब्लॉक बाउंड्री
सब हमारे पास उपलब्ध है सारे डेटा, आपको मोबाइल ऐप से देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम दिखा रहे हैं, हमारे जनपद के विभिन्न प्रकार के विकास खड़े हुए हैं। इसमें तालाब है, इसमें सड़क है, ये नहर, नदी नहर कह सकते हैं, ये रही बात सब, इतने सारे मैप्स खड़े हुए हैं। आपके लाइब्रेरी का भी है ये इंटरव्यू ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये वाटर लॉक एरिया जहाँ पे पानी 24 मतलब साल भर पानी इकट्ठा होता है उसको वाटर लॉक एरिया बोलते हैं। ये सब मैप क्या होता है, इसका नाम हमने पहले बताया था कार्ड और विस्को तो सकते हैं। ये आप इटावा क्षेत्र का जो बीगढ़ इलाका है हम एनएस एरिया बोलते हैं वो कह देता है सैटेलाइट। इसमें भी दो स्थान सड़कें जा रही हैं, सब काम किया हुआ। ये नदी जो आप देख रहे हैं यमुना नदी है, हमारा केंद्र द्वारा वेस्टर्न नदी तैयार किया हुआ उन सबको हम डाले हुए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट। आप लोग सब जानते हैं ये इसरो के ये प्रोजेक्ट जो है इसरो का, इसरो हैदराबाद में जो ऑफिस है वही इसकी वित्त पोषिता कर रही है। हाँ, इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग देना है, पहले हम स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज हम ब्लॉक लेवल पे करा। जैसे 18 ब्लॉक से लाइब्रेरी में हर एक दिन में एक एक ब्लॉक में जाके एक एक विकास केंद्र में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य है आपको जो पहले आपने ग्राफ देखा था उसको यूज करने के लिए कैसे उपयोग किया जाए। इसमें हमारे साथ बाकी पार्टनर भी हैं, इंस्टीट्यूशन से जैसे अकेडमिया वाले हैं और भी लोग हैं जैसे रिटेलर्स में आते हैं। इसका तीन मुख्य उद्देश्य है, एक नंबर वन कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं उसको जो करा रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। आप सभी के लिए चाय और समोसा आ गया है, आप लोग सब लोग ले लेके उसको खाइए। और थोड़ा हमारे अनुसार है हमारा आप लोग के लिए सिर्फ पांडिचेरी से बहुत दूर से आए साउथ इंडिया से, तो थोड़ा आप लोग को इन भाषा में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग का लंच भी आ रहा है, सर की बात को थोड़ा समझिए तो आप लोग के लिए वो लाभकारी होंगे, फायदेमंद होंगे, ठीक है। जिसको किसको किसको समोसा नहीं मिला वो ले ले समोसा, चाहे लंच भी आप लोग का आ रहा है, आप लोग पूरे इत्मीनान से यहाँ बैठे रहिए। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है अभी, कितने सरपंच है जिनके पास ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कृपया हाथ उठाएं। जिनके पास नहीं है हमारे पास समय है, अभी हम लोग थोड़ा समय दे रहे हैं, अपने भाई बंधु को जानने वाले किसी से मंगवा लीजिए, है ना। आप लोग खुद करके आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, यही आपको किसी भी सारा काम भविष्य में करना है, एक एक काम, ठीक है। सर मैं राजमणि साहब सर रोज करने के बाद अपना व्याख्यान जारी रखें, धन्यवाद। तीसरा उद्देश्य हमने पहले बताया था
आप क्या चाहते हैं कोई टाइम ऑर्डर टाइम बनाने के लिए या कोई स्कूल बिल्डिंग या स्कूल बिल्डिंग कोई भी चीज़ आप इसमें इससे उद्देश्य है आपके पास सारी चीजें ले लीजिए हिसाब से ये भी आप देख रहे हैं।